सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो यहाँ पे एब्सोलम एंड अकीटोफल पढ़ लो या अचीटोफल पढ़ लो, जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ लो। तो उसकी समरी देखने वाले हैं। तो ये एक कहानी है, इजराइल का एक राजा था जिसका नाम था यहाँ पे डेविड। ठीक है, डेविड नाम का एक राजा था जो कि यहाँ पे शासन कर रहा था। अब वहाँ पे दो तरह के लोग रहते थे, एक थे ज्यूइश और एक थे जेबू साइट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है ज्यूइश और दूसरे कौन से है, जेबूसाइट्स। ये रहे ज्यूइश, वो हो गए जेबूसाइट्स। ठीक है, दो तरह के लोग थे जिसमें से ये जो राजा था ये था अपना जेबूसाइट्स का। ज्यूइश लोग वहां पे रहते थे वो इसको पहले पसंद करते थे। ठीक है, तो इसका शासन चलता रहा। और यहाँ पे ये बता रहा है कि जो इसकी पत्नी थी वो थी मिशेल। मिशेल कह सकते हैं या मिशेल ही कहना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या होता था कि पहले राजा महाराजा के बहुत ज्यादा अफेयर्स हुआ करते थे। मतलब कि एक तो प्रॉपर रानी होती थी, बाकी इसके हम कह सकते हैं नजायज बच्चे भी हुआ करते थे। बट इसकी जो रियल पत्नी थी उसके कोई बच्चा नहीं था। ठीक है, और माना यह जाता है कि जो डेविड था उसके जितने भी बच्चे थे सारे के सारे बच्चे, उसमें से ये सबसे ज्यादा बच्चा कौन सा पसंद करता था, एब्सोलम को पसंद करता था, एब्सोलम को। तो फिर क्या होता है, एब्सोलम विंस रिनाउंस इन फॉरेन फील्ड्स। और जो एब्सोलम था वो बहुत ही ज्यादा तेज था और उसने कई लोगों को हराया भी था यहाँ पे। ठीक है, डेविड भी उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ज्यूइश लोग उसको, डेविड को भी पसंद करते हैं और ये एब्सोलम को भी पसंद करने लग जाते हैं और एक तरह से उसको राजा भी मानने लग जाते हैं। बट रियलिटी में वो राजा नहीं होता, बट उसको एक तरह से रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, हाउएवर ओल्ड प्लॉट्स आर रिवाइव्ड, स्टॉकिंग द ज्यूज फियर ऑफ द हेथन जेबूसाइट्स हुज लैंड दे हैड टेकन लॉन्ग एगो। तो इसके बीच में क्या होता है कि ये जो डेविड होता है वो जेबूसाइट्स का होता है। इसने ना ज्यूज के जितने भी पहले की संपत्ति थी उसको हड़प लिया था, मतलब कि धोखा किया था एक तरह से ज्यूज लोगों के साथ। तो फिर क्या होता है कि जो ये ज्यूज लोग होते हैं इनके मन के अंदर तो होता है कि इसने हमारे साथ धोखा किया है, इसको हटाना चाहिए, हम इसको हटा सकते हैं। फिर क्या होता है, जो एकिटोफल होता है ये बहुत ज्यादा चतुर चालाक होता है और ये डेविड का क्या होता है, काउंसलर होता है, सलाहकार होता है। ये रहता है डेविड के साथ है, बट ये डेविड की चापलूसियां करता है। मतलब एक तरह से तो ये चाहता है कि डेविड को ये राजा ना बनाए, राजा से के पद से हटा दे कुछ ना कुछ करके। तो ये क्या करता है कि एकिटोफल एब्सोलम को कहता है कि तू राजा बनना चाहिए क्योंकि तेरे अंदर सारी क्वालिटीज है और जनता भी तुझे प्यार करती है। ठीक है, तो मान के चल कि तू राजा बन सकता है और तू अपने पिता को गद्दी से हटा दे। पर जो एब्सोलम होता है वो अपने पिता को हटाना नहीं चाहता और ये चाहता है कि अगर मेरे पिता की जगह कोई राजा बनता है तो वो उसका भाई बन सकता है, पिता का भाई मतलब उसका चाचा बन सकता है। बट उसका चाचा जो है वो बहुत ज्यादा ही गंदा है, इसीलिए उसको ज्यूज लोग बनाएंगे नहीं है, बट ज्यूज लोग एब्सोलम को बना सकते हैं। इतने में अकीटोफल क्या करता है कि वो एब्सोलम को उसके पिता के बारे में भड़काता रहता है या प्लान प्लून बनाता रहता है। और एक बार क्या होता है कि एब्सोलम कहीं पे गया होता है तो वो वहां पे रोने लग जाता है। तो वो एब्सोलम उसको कहता है कि मेरे पास तुम्हें आंसुओं देने के अलावा और कुछ भी नहीं है, मैं अपने पिता के खिलाफ नहीं लड़ सकता। तो अकीटोफल क्या करता है, अकीटोफल एब्सोलम की तरफ से उसके पिता के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। ठीक है, युद्ध छेड़ने के बाद क्या होता है कि उसके पिता को पता लग जाता है कि मेरे बेटे को भड़काया जा रहा है और मेरे खिलाफ ही युद्ध करने की साजिश की जा रही है। फिर ये बात जब डेविड को पता लगती है तो डेविड क्या कहता है, लास्ट में कहता है कि मेरे पास इतनी ज्यादा पावर्स है और मैं ही तुम्हें चला सकता हूँ सही ढंग से और तुम्हें कोई भी मेरे से छीन नहीं सकता। मतलब मेरी जो पद है, मैंने जो राजगद्दी ले रखी है इसको कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता है। तो ठीक है, इसमें मेनली यही देखने को मिलता है कि जो राजा होता है वो अपने हाथ में सारी पावर्स रखता है, चाहे उसने लोगों के साथ कितना कुछ गलत किया हो। बट जो प्रजा एक तरफ से तो उसको मानती थी, पर कुछ हम कह सकते हैं घर का भेदी लंकड़ है। ये था अकीटोफल, जो कि उसके पास रहते हुए भी, डेविड के पास रहते हुए भी उसके साथ गलत बिहेवियर तो नहीं करता था, बट उसको अंदर से खोखला करना चाहता था, उसको वहां से गद्दी से हटाना चाहता था। इसके कारण वो उसके
बेटे को भी उसके खिलाफ करना चाहता था, ये चीजें अपने को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये समरी हो जाती है कंप्लीट, और कोई भी डाउट आता है तो जरूर बताना, ठीक है। ये इतनी सी समरी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, बस लास्ट में क्या है, डेविड ही वहां पे राजा बन जाता है। तो और जो उसके एनिमीज है वो क्या है, डाउनफॉल कर लेते हैं, और उसके जो शासन है उसको मारने लग जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।